अच्छा जी, तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्लेटलेट्स को, फिर हम डिस्कस करेंगे कोएगुलेशन कैस्केड को, और फिर हम देखेंगे कि एंडोथीलियम जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, सो हमने पहले बात करनी है आप किसकी, प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स के बारे में आपको ऑलरेडी भी पता है और अभी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर लिया कि इनका बड़ा सेंट्रल रोल है हीमोस्टेसिस में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हीमोस्टेसिस में, क्योंकि यही हीमोस्टेसिस को इनिशिएट करती हैं। ठीक है, इनिशिएट करने के अलावा जो प्राइमरी प्लग हमने देखा था, प्राइमरी प्लग भी यही बनाती हैं। ठीक है, सो ये हीमोस्टेसिस के प्रोसेस को ना सिर्फ फर्स्ट सेल्स हैं जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं, इनिशिएट करते हैं, बल्कि साथ ही साथ ये क्या करती हैं, प्राइमरी प्लग की फॉर्मेशन भी यही करती हैं। उसके अलावा कहता है कि कोई भी वेस्कुलर डिफेक्ट है तो जाहिर है प्राइमरी प्लग बन के ये उस वेस्कुलर डिफेक्ट को सील कर देती हैं। ठीक है, सो वेस्कुलर डिफेक्ट को सील करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि ये जो प्लेटलेट्स हैं ये एक फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यूं करके ना ये एक फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन प्रोवाइड करते हैं, और इस फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के ऊपर आके फाइब्रिन डिपॉजिट होता है। ठीक है, और कोएगुलेशन फैक्टर और कैल्शियम वगैरह बाइंड करता है। ठीक है, तो ये बात भी उसने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि ये एक मेम्ब्रेन प्रोवाइड करेंगे। आगे जाके हम देखेंगे कि ये नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन होती है जो कि कुछ नहीं है, फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन जो है हेल्प करती है या एरिया प्रोवाइड करती है जहां पे आके बाइंड करना है और बहुत सारे एक्टिवेटेड कोएगुलेशन फैक्टर ने कंसंट्रेट होना है। ठीक है, और फाइब्रिन ने भी डिपॉजिट होना है। तो ये कुछ प्लेटलेट्स के हमें फायदे हैं। अब इसकी ओरिजिन की बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले जो बोन मैरो से बनते हैं वो मेगा कैरियोसाइट्स हैं, और मेगा कैरियोसाइट जब सर्कुलेशन में एंटर करते हैं तो क्या बन जाते हैं, प्लेटलेट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब प्लेटलेट्स के अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन तो हमें पता चल गया कि क्लॉटिंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका फंक्शन डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, कुछ फैक्टर्स पे इनका फंक्शन डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, इनका फंक्शन डिपेंड करता है ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर पे। इनकी सरफेस के ऊपर भी ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, अभी हम आगे चल के देखते जाएंगे। ग्लाइकोप्रोटीन 1 ए होता है, ग्लाइकोप्रोटीन 2 3B 2A रिसेप्टर्स होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं अटैचमेंट में। अगर ग्लाइकोप्रोटीन की रिसेप्टर की डेफिशिएंसी है तो जाहिर है ये अटैच नहीं हो सकेंगे वॉन विलीब्रैन फैक्टर के साथ, और जब ये अटैच नहीं होंगे तो कोएगुलेशन ही नहीं होगी और ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ेंगी, सिंड्रोम होता है, उसको हम आगे जाके देखते हैं। सो इसका फंक्शन डिपेंड कर रहा है ग्लाइकोप्रोटीन के रिसेप्टर के ऊपर। उसके अलावा कॉन्ट्रेक्टाइल साइटोस्केलेटन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स, उनके ऊपर भी इसका फंक्शन डिपेंड करता है। और दो साइटोसोलिक ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है, क्या है, दो साइटोसोलिक ग्रेन्यूल्स हैं, उनके ऊपर भी प्लेटलेट का फंक्शन डिपेंड करता है। अब ये दो साइटोसोलिक ग्रेन्यूल्स कौन सी हैं, इसमें एक हमारे पास है अल्फा ग्रेन्यूल, ठीक है, और एक हमारे पास है डेल्टा ग्रेन्यूल, आई गेस, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, दूसरी मेरा ख्याल है हमारे पास है डेल्टा ग्रेन्यूल्स। ठीक है, अब ये जो अल्फा ग्रेन्यूल है ये क्यों प्लेटलेट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अल्फा ग्रेन्यूल के पास एडहीजन मॉलिक्यूल होते हैं, एडहीजन मॉलिक्यूल होते हैं, पी सेलेक्टिन, ठीक है, एडहीजन मॉलिक्यूल होता है इन ग्रेन्यूल्स के पास, पी सेलेक्टिन, जो कि हेल्प करता है। उसके अलावा इन ग्रेन्यूल्स के पास बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं अल्फा ग्रेन्यूल के पास जो कि कोएगुलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और प्लेटलेट का फंक्शन उन पर डिपेंड करता है, अगर उनकी डेफिशिएंसी होगी तो प्लेटलेट भी अपना काम प्रॉपर से नहीं कर सकेगी। अब ये कौन से प्रोटीन्स हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं, तो एक होता है इसके पास फिब्रिनोजन, दूसरा कोएगुलेशन फैक्टर 5 होता है अल्फा ग्रेन्यूल के अंदर, इसके अलावा वॉन विलीब्रैंड फैक्टर, पीछे भी बात कर चुके हैं अभी दोबारा भी करेंगे, वॉन विलीब्रैंड फैक्टर एक्सपोज नहीं होगा तो प्लेटलेट कभी भी आकर बाइंड नहीं करेगी। सो प्लेटलेट डिपेंड करती है अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वॉन विलीब्रैंड फैक्टर की एक्सपोजर के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा फाइब्रोनेक्टिन भी होता है अल्फा ग्रेन्यूल्स के पास, और कुछ प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह भी होते हैं। उसके अलावा कहता है हमारे पास ये डेल्टा ग्रेन्यूल्स भी तो मौजूद हैं, तो इनका क्या काम है, डेल्टा ग्रेन्यूल्स के पास एडीपी होता है, ठीक है, उसके अलावा इनके पास एटीपी होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, कैल्शियम होता है, और कैल्शियम आपको पता है बहुत ज्यादा जरूरी है कोएगुलेशन कैस्केड को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, कैल्शियम होता है, सीरोटोनिन भी होता है इस ग्रेन्यूल्स के पास, और एपिनेफ्रीन भी होता है। तो प्लेटलेट अपनी फंक्शनिंग के लिए इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सो अब बात करते हैं सारी की सारी कि प्लेटलेट कैसे एक्टिवेट होता है, प्लेटलेट अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे हमने पहले भी कहा कि जब भी आपके पास एंडोथीलियम की इंजरी होगी, सही है, जब भी एंडोथीलियम की क्या हो जाएगी, इंजरी होगी, फॉर एग्जांपल यहां से अब जो है वो कट लग गया, तो एंडोथीलियम की इंजरी की वजह से यहां से नीचे से क्या एक्सपोज हो जाएगा, वॉन विलीब्रैंड फैक्टर, ठीक है, और साथ ही साथ जो है वो कोलेजन भी एक्सपोज हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो ट्रोमेटिक इंजरी है जब ये होती है तो किस तरह से प्लेटलेट अपना काम करते हैं। तो क्या है कि जब ये वॉन विलीब्रैंड फैक्टर एक्सपोज होगा
होगा और कोलेजन एक्सपोज होगा तो इस वॉन विलीब्रैंड फैक्टर के ऊपर प्लेटलेट ने आकर एडहीजन करना है, ठीक है। प्लेटलेट इंटरेक्ट करेंगे इनके साथ और इसके साथ और कोलेजन के साथ, और डिफरेंट तरह का एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जो कि पूरा प्लेटलेट ने करना है और प्राइमरी प्लग बनाना है, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी प्लग बनेगा इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास प्लेटलेट की एक्टिवेशन। क्या स्टेप है? प्लेटलेट की एक्टिवेशन। सो प्लेटलेट की एक्टिवेशन इस तरह से होगी कि जैसे ही वॉन विलीब्रैंड फैक्टर एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है, ये वॉन विलीब्रैंड फैक्टर एक्सपोज होगा, फॉर एग्जांपल ये है ये, तो यहां पे जो प्लेटलेट होगी वो अपने रिसेप्टर की मदद से इसके ऊपर अटैच हो जाएगी। ये फॉर एग्जांपल प्लेटलेट है, तो प्लेटलेट जो है वो अपने रिसेप्टर की मदद से, जो इसका रिसेप्टर है उसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन 1B, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन 1B, ये इसकी मदद से क्या करती है, सबसे पहले वॉन विलीब्रैंड फैक्टर के ऊपर अटैच करती है। अब यहां पे उसने साथ ही डिस्कस कर दिया कि कुछ लोगों में वॉन विलीब्रैंड फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है और जाहिर है वो प्लेटलेट को एक्टिवेट ही नहीं कर सकते, वो फर्स्ट स्टेप ही नहीं स्टार्ट कर सकते। तो जिन लोगों में वॉन विलीब्रैंड की डेफिशिएंसी होती है उन्हें हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं वॉन विलीब्रैंड डिजीज, शुक्र है इसके अपने नाम पे ही है। और दूसरी बात है, कुछ लोगों में प्लेटलेट के ऊपर ये वाला रिसेप्टर ही नहीं होता तो भी प्लेटलेट यहां पर अटैच नहीं हो सकती। अब इस रिसेप्टर की एब्सेंस को या इस रिसेप्टर की एब्सेंस की वजह से जो डिजीज होता है उसे हम कहते हैं ब्रीनर्ड सोलियर सिंड्रोम। क्या कहते हैं? ब्रीनर सोलियर सिंड्रोम, BSS, ठीक है। कोई पूछ लेता है तो आपने याद रखना है कि इसके अंदर क्या है, कि ग्लाइकोप्रोटीन की डेफिशिएंसी है जो कि प्लेटलेट की सरफेस पे है और रिक्वायर्ड है वॉन विलीब्रैंड फैक्टर से अटैचमेंट और एक्टिवेशन के लिए। अब ये जो प्लेटलेट की एक्टिवेशन है ना, प्रीवियसली भी मैंने बताया इसके अंदर दो चीजें होती हैं तो हम कहते हैं प्लेटलेट एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है। कौन सी दो चीजें होती हैं? एक तो प्लेटलेट जो है वो उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है, क्या होती है? शेप चेंज हो जाती है। दूसरा, वो सिक्रीशंस करती है और सिक्रीशंस करने का मकसद फर्दर प्लेटलेट्स को इस इंजरी वाली जगह पे बुलाना है। शेप के अंदर क्या चेंज होता है? कहता है पहले वो डिस्क शेप होती है लेकिन यहां पर आने के बाद वो फ्लैट सी शेप में कन्वर्ट हो जाती है और सरफेस एरिया को इनहेंस कर देती है, ठीक है। तो क्या करती है? सरफेस एरिया को इनहेंस कर देती है। दूसरी बात यह है कि वो अपनी सरफेस के ऊपर जो GP2B और ग्लाइकोप्रोटीन 3A ये रिसेप्टर भी होता है, नॉर्मली ये इंटरनलाइज होते हैं लेकिन जब इंजरी होती है तो ये एक्सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं सरफेस के ऊपर और इनकी जो एफिनिटी है क्वेगुलेशन फैक्टर फिब्रिनोजन के लिए वो काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है। सो दूसरा काम क्या होता है कि इसके जो ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर इंटरनली प्रेजेंट थे वो एक्सपोज हो जाते हैं और उनकी एफिनिटी भी काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है। थर्ड बात यह है कि ये वहां पे एक फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन ले डाउन करेगा जो कि नेगेटिवली चार्ज है और इसकी इंपॉर्टेंस अभी पीछे भी बताई है। ये फॉस्फोलिपिड कैल्शियम को करेगी, कैस्केड्स को स्टिमुलेट करेगी और उनको बाइंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सो ये एक न्यूक्लिएशन साइट के तौर पे एक्ट करती है, बहुत सारे क्वेगुलेशन फैक्टर कॉम्प्लेक्स की असेंबली के लिए वो यहां आकर असेंबल होंगे और फिर फाइब्रिन यहां पे डिपॉजिट होगा। तो पहला काम इसकी शेप के अंदर और कुछ मेजर चेंजेस आ गए। अब दूसरी चीज ये करती है कि सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती है ऐसे फैक्टर जो कि फर्दर प्लेटलेट्स को क्या करेंगे, फर्दर प्लेटलेट्स को एक्यूमुलेट करने में हेल्प करेगी। सिक्रीशंस में अगर हम बात करें तो कहता है साइक्लोक्सीजनेस के थ्रू ये एक्ट करती है और थ्रोम्बोक्सेन A2 की सिंथेसिस को एनहांस कर देती है और थ्रोम्बोक्सेन बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट की एग्रीगेशन कॉज करने में। सो यहां पे प्लेटलेट की क्या होना शुरू हो जाएगी, एग्रीगेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। जब उसकी शेप में चेंज आ गया और उसने सिक्रीशन कर दी तो हम कहते हैं कि प्लेटलेट अब एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो थ्रोम्बोक्सेन है ये साइक्लोक्सीजनेस के थ्रू बनता है और किसी बंदे में अगर बहुत ज्यादा क्वेगुलेशन है तो हम एस्पिरिन देके, ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है, साइक्लोक्सीजनेस को इनहिबिट कर सकते हैं, थ्रोम्बोक्सेन A2 की सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकते हैं और यू क्वेगुलेशन को इनहिबिट कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब ये इसने काम कर लिया, यानी कि इसने वहां पे आके अपनी शेप को भी चेंज कर लिया और फर्दर रिक्रूटमेंट फैक्टर्स या सिक्रीटर्स भी रिलीज कर दिए, तो इस टाइम हम कहते हैं कि ये एक्टिवेट हो चुकी है। जब ये एक्टिवेट हो चुकी है तो ये बहुत ज्यादा फेवर करेगी थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन को भी और क्वेगुलेशन को इनहेंस करने में भी और ADH वगैरह के लेवल्स को भी बढ़ा देगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हो गई हमारे पास कि उसने एक्टिवेट होना था वो हो गई। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या हो रही है, सिक्रीशन की वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन क्या हो जाएगी। दूसरा स्टेप क्या होना है कि पहले आपके पास एक सिंगल प्लेटलेट आए, ये खुद स्टिमुलेट हुए, एक्टिवेट हुए और इन्होंने सिग्नल्स दे दिए, थ्रोम्बोक्सेन दे दिया और अब फर्दर प्लेटलेट्स आने और वो यहां पे एग्रीगेट होने। सो ये फर्दर जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है अगर हम इसकी बात करें तो कहता है ये फौरन ही एक्टिवेशन को फॉलो करता है, क्योंकि एक्टिवेशन तभी होती है जब फैक्टर रिलीज होते हैं और फैक्टर रिलीज होने के बाद जाहिर है एग्रीगेशन शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ क्या है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन 3A और 2B रिसेप्टर्स वो उसकी सरफेस पे एक्सपोज हुए हुए हैं और वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे फर्दर अटैचमेंट में और एग्रीगेशन में। अब वो कह रहा है कि कुछ लोगों में ये डेफिशिएंसी होती है और जिनमें ये डेफिशिएंसी होती है उस सिंड्रोम को हमने क्या नाम देना है, उसको हमने ग्लैंसमैन थ्रोम्बो ब्लास्टीमिया कहना है, ब्लास्टीमिया, ठीक है। देख लीजिएगा इस टर्म को वैसे बुक से भी, लेकिन हम इसको यही कहते हैं ग्लैंसमैन
थ्रोम्बोब्लास्टीनिया। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि इसकी डेफिशिएंसी को क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन A1 की डेफिशिएंसी को क्या कहते हैं और वॉन वैन विलीब्रैंड फैक्टर की डेफिशिएंसी को क्या कहते हैं। जब ये फैक्टर एक्सपोज होंगे और एग्रीगेशन होगी तो एग्रीगेशन की वजह से अब हमारे पास पहले ये रिवर्सिबल होता है लेकिन इरिवर्सिबल क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा और ये क्लॉटिंग इरिवर्सिबल ज्यादा तब हो जाएगी जब नेक्स्ट फैक्टर में नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे यहां पर आके क्वैगुलेशन स्टार्ट हो जाएगी और फिब्रिन की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो ये वाला जो क्लॉट है ये इरिवर्सिबल बनना शुरू हो जाता है और इरिवर्सिबिलिटी फर्दर एनहेंस हो जाती है जब क्वैगुलेशन कैस्केड स्टार्ट होगा और क्वैगुलेशन कैस्केड जो है वो थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा और थ्रोम्बिन जो है इस क्लॉट के ऊपर थ्रोम्बिन फिब्रिन को ले डाउन करेगा तो तब ये बहुत ही ज्यादा इरिवर्सिबल बन जाएगा। ठीक है, सो ये पढ़ने के लिए कि कैसे क्वैगुलेशन फैक्टर थ्रोम्बिन की एक्टिवेशन करता है अब हमने क्वैगुलेशन कैस्केड को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्लेटलेट कैसे काम करते हैं। सही है, तो प्लेटलेट का काम तो बहुत ज्यादा आसान था ना, प्लेटलेट ने कोई इतना मुश्किल काम तो किया ही नहीं है। क्या क्या काम किए प्लेटलेट्स में, प्लेटलेट जो है वो सबसे पहले एक्टिवेट हुए और एक्टिवेट होने के बाद इन्होंने सिक्रीशन की, एग्रीगेशन की और एग्रीगेशन से कोट क्लॉट जो है वो थोड़ा सा मजबूत होता जा रहा है। क्लॉट की फर्दर मजबूती के लिए कैस्केड पाथवे चाहिए। सो कैस्केड पाथवे हमारे पास क्या करेगा, ये सीरीज है, आपको पता है ये जो कैस्केड पाथवे है ये एक पूरी सीरीज है एंजाइमेटिक रिएक्शन की और इन रिएक्शन के रिस्पॉन्ड में क्या होना है ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं, दो तरह के पाथवे स्टार्ट होने और फिब्रिन आके डिपॉजिट होना है, फिब्रिन क्लॉट बनना है। इन वीवो भी हो सकती है, इन विट्रो भी हो सकती है और बुक में वो कह रहा है कि ये डांसिंग सा पैटर्न है, एक चीज दूसरे को, दूसरी तीसरे को, तीसरी चौथे को स्टिमुलेट करती है और ये साइकिल चलता है और ऐसे आप फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हो। ये सारे का सारा साइकिल जो है उस फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहा है जो नेगेटिवली चार्ज है और उसे किसने ले किया, प्लेटलेट्स ने, जो कि बात हम पहले से करते आ रहे हैं। उसके अलावा कहता है ना सिर्फ फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन का होना जरूरी होता है बल्कि ये पाथवे रन करने के लिए कैल्शियम की प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कैल्शियम की प्रेजेंस में बहुत सारे फैक्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, अभी मैं बुक से दिखाती भी हूं। और साथ ही साथ विटामिन के का होना भी जरूरी है क्योंकि विटामिन के क्या करता है, फैक्टर 2, 7, 9, 10 को एक्टिवेट करता है। उनको अपनी एक्टिवेशन के लिए ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलिक एसिड रेजिड्यू चाहिए होता है, सो ये वो रेजिड्यू प्रोवाइड करता है। कैसे, ये जो 2, 7, 9, 10 है विटामिन के की प्रेजेंस में, जो विटामिन के ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है वो रिड्यूस हो जाता है और वो क्या प्रोवाइड करता है, इनको ग्लाइकोसाइल रेजिड्यू प्रोवाइड करता है और ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये जो रिड्यूस फॉर्म है नॉर्मली ये दोबारा से एपोक्साइड रिडक्टेज की प्रेजेंस में ऑक्साइड हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। ठीक है, सो ये एपोक्साइड रिडक्टेज की प्रेजेंस में, सॉरी मेरा ख्याल है ये रिड्यूस फॉर्म में होता है और फिर ये इसको अपना वो डोनेट करने के बाद ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाता है और ऑक्सीडाइज फॉर्म को रिड्यूस करने के लिए यहां पे मौजूद होता है एपोक्साइड रिडक्टेज जो कि इसको दोबारा से एक्टिव करता है और फर्दर एक्टिवेशन होती रहती है। तो किसी इंसान के अंदर अगर कोएगुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है तो उसका तरीका ये भी है कि हम इस एपोक्साइड रिडक्टेज को इनहिबिट कर दें, जब हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो विटामिन के एक्टिव नहीं हो सकेगा, विटामिन के एक्टिव नहीं होगा तो ये फर्दर कोएगुलेशन पाथवे को भी स्टिमुलेट नहीं करेगा। और इसको इनहिबिट करने के लिए एक ड्रग जो है वो हमारे पास मौजूद है जिसे हम क्यूमैडिन कहते हैं, क्यूमैडिन कहते हैं। ठीक है, ये बात इन्होंने साथ साथ थोड़ी सी फार्माकोलॉजी को भी लिंक किया हुआ है। तो क्या बता रही हूं कि कैस्केड पाथवे स्टार्ट होना है जिसका मतलब है कि प्लेटलेट एग्रीगेशन के ऊपर फिब्रिन ने डिपॉजिट होना है। कैसे होना कराती हूं, इन वीवो भी हो सकता है, इन विट्रो भी क्वैगुलेशन हो सकती है। अब ये एक पूरी सीरीज की फॉर्म में होती है, इस सीरीज को चलने के लिए सबसे पहले तो कोई नीचे चीज होनी चाहिए ना जहां पे इसने ले डाउन करना है, तो वो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है जो कि प्लेटलेट प्रोवाइड करता है। कैल्शियम का होना भी बड़ा जरूरी है और विटामिन के का होना भी जरूरी है सेवरल इंपॉर्टेंट क्वैगुलेशन फैक्टर की स्टिमुलेशन के लिए और हम उसे इनहिबिट भी कर सकते हैं। सो ये बात हमने कर ली। अब उन्होंने आपकी बुक के अंदर 2 टाइम्स का जिक्र किया हुआ है, उन टाइम्स से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फैक्टर्स की। एक इंट्रिंसिक पाथवे भी होता है हमारे पास और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे भी होता है। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है ना, ज्यादा डिटेल नहीं कराऊंगी क्योंकि है नहीं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में स्टिमुलस की वजह से सबसे पहले आपके पास फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है और फैक्टर 12 जब एक्टिवेट होता है तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है। ये फैक्टर 12 क्या करता है, आगे से एक्टिवेट करेगा फैक्टर 9 को। ठीक है, ये सॉरी आगे से एक्टिवेट करेगा किसको, फैक्टर 11 को। सो इसकी प्रेजेंस में कौन एक्टिवेट हो जाएगा, फैक्टर 11। फैक्टर 11 क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है फैक्टर 9 को। किसको स्टिमुलेट कर देता है, फैक्टर 9 को एक्टिवेट कर देता है। जब फैक्टर 9 एक्टिवेट होता है तो ये कहता है कि यार तुम तो 10 को भूल गए, तो चलो 10 को मैं कर देता हूं। तो ये 9 जो है 8 की प्रेजेंस में, एक्टिवेटेड 8 की प्रेजेंस में फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। ठीक है, समझ आई है, 12 करता है 11 को, 11 करता है 9 को और 9 8 की प्रेजेंस में 10 को एक्टिवेट कर देता है। अब 10 जो है, इस 10 की एक्टिवेशन के लिए यहां पे कैल्शियम भी रिक्वायर्ड होता है। 10 फर्दर क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा
जाएगा इनएक्टिवेटेड टू को, जिसे प्रोथ्रॉम्बिन कहते हैं, एक्टिवेटेड टू में जिसे थ्रॉम्बिन कहते हैं। सो थ्रॉम्बिन जब बन जाएगा तो थ्रॉम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है और फिब्रिन की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। सो क्वैगुलेशन हो गई स्टार्ट, ठीक है। दूसरा तरीका होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू फैक्टर जैसे एक्सपोज होता है तो वो स्टिमुलेट कर देता है किसको, फैक्टर सेवन को। किसको स्टिमुलेट कर देता है, फैक्टर सेवन को। ये जो फैक्टर सेवन है ये स्टिमुलेट करता है डायरेक्टली फैक्टर टेन को, टेन आगे से टू को और टू आगे से फिब्रिनोजन को, फिब्रिन में, और फिब्रिन से क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस लेवल पे आके दोनों मर्ज कर जाते हैं। अब अगर हमने ये चेक करना है कि इस पाथवे के थ्रू क्वैग्यूलेशन कितनी देर में होगी और इस पाथवे के थ्रू क्वैग्यूलेशन कितनी देर में होगी, तो ये हम चेक कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, टिश्यू फैक्टर, प्लाज्मिनोजन और कैल्शियम ब्लड को देंगे और वो ब्लड जो है उसके अंदर फैक्टर सेवन एक्टिवेट हो जाएगा और जितना टाइम लगेगा क्लॉटिंग होने में, क्वैग्यूलेशन होने में, उसको हम बोलते हैं प्रोथ्रॉम्बिन टाइम। क्या बोलते हैं, प्रोथ्रॉम्बिन टाइम, ठीक है। और अगर हम फैक्टर 12 को स्टिमुलेट करते हैं, फैक्टर 12 को स्टिमुलेट करने के लिए हमें कुछ ग्राउंड ग्लास, नेगेटिव ग्राउंड ग्लास सेल्स देने पड़ते हैं, साथ में फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम कॉन्स्टेंट रहेगा, टिश्यू फैक्टर नहीं देते, तो इसकी वजह से फैक्टर 12 स्टिमुलेट होगा, ये पाथवे चलेगा और जितनी देर बाद क्लॉटिंग अपीयर होगा इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रोथ्रॉम्बिन, हाँ पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है। क्या बोलते हैं, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू जो क्वैग्यूलेशन है उसको जब चेक किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिन इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बिन, पता नहीं प्रोम्बोथ्रास्टोप्लाइन जो यार बेटा देख लेना इसको, और ये जुबान पे नहीं चढ़ा, और इसको हम बोलते हैं प्रोथ्रॉम्बिन टाइम, ठीक है। अब ये फर्क ये कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे, तो ये बात आपकी बुक में डिस्कस की गई, उन्होंने चार्ट बना के उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास जाहिर है क्वैग्यूलेशन पाथवे भी स्टार्ट हो गया, तो क्वैग्यूलेशन के पाथवे के स्टार्ट होने की वजह से क्या आ गया आपके पास, फाइब्रिन आ गया। ये फाइब्रिन जो है वहां पे डिपॉजिट होगा और जाहिर सी बात है जब ये डिपॉजिट होगा तो सेकेंडरी प्लग बन जाएगा जो कि परमानेंट प्लग में कन्वर्ट हो जाएगा और अब वो इरिवर्सिबल प्लग है, वो ब्लड फ्लो से रिमूव नहीं होगा। इसके बाद उसने कहा कि ये टाइम जब हम मेजर करते हैं तो इससे हमें बहुत सारी चीजें पता चली, या ये तो नहीं पता चलता कि किस पाथवे पे या किस पॉइंट पे जाके किस केज का जो पाथवे है वो नॉर्मल हुआ है अगर टाइम ज्यादा हो, लेकिन ये पता चल जाता है कि क्वैग्यूलेशन नॉर्मल नहीं है। अब उसने कहा ये इतने सारे फैक्टर्स हैं क्वैग्यूलेशन के, तो कुछ फैक्टर बहुत ज्यादा, अच्छा यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, वो ये कह रहा है कि कुछ क्वैग्यूलेशन फैक्टर जैसे कि फैक्टर 5 है, 7 है, 8 है, या हमारे पास फैक्टर 9 है या 10 है, जब ये डैमेज हो जाते हैं, इनमें डेफिशिएंसी है, तो हमारे पास माइल्ड टू स्वेयर ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, सॉरी मॉडरेट टू स्वेयर ब्लीडिंग्स हो सकती है। किसकी बात हो रही है, फैक्टर 5 की, 7 की, 8 की, 9 और 10 की, इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात वो ये कर रहा है कि अगर हमारे पास जो प्रोथ्रॉम्बिन है, जाहिर है जो प्रोथ्रॉम्बिन है यानी जो फैक्टर 2 है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो उसमें फिर बंदा जिंदा नहीं रह सकता, उसकी प्रोग्नोसिस बड़ी बुरी है। और अगर हम बात कर लें बाकी जो फैक्टर रह गए हैं जिसमें हमारे पास फैक्टर 11 है और फैक्टर 12 है, तो फैक्टर 11 जो है वो भी माइल्ड ब्लीडिंग करेगा अगर डेफिशिएंसी है, क्योंकि देखो इन ये क्वैग्यूलेशन करते हैं, ये क्या करते हैं, क्वैग्यूलेशन करते हैं, तो अगर इनकी डेफिशिएंसी है तो क्वैग्यूलेशन नहीं होनी और ब्लीडिंग होनी है। तो फैक्टर 5, 7, 8, 9, 10 के साथ मॉडरेट टू स्वेयर ब्लीडिंग होती है, ठीक है, स्वेयर भी होती है, प्रोथ्रॉम्बिन के साथ तो बहुत ही स्वेयर होती है, तो लाइफ जिंदा ही नहीं रह सकता। उसके बाद जो हमारे पास फैक्टर 10, 11 है, उसकी भी डेफिशिएंसी है, तो माइल्ड ब्लीडिंग होनी है। लेकिन जब फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी है तो नो ब्लीडिंग बल्कि थ्रोम्बोसिस शुरू हो जाती है। हो गई ना अजीब सी बात, क्या मतलब कि यहां पे आपके पास कट लग गया है और फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी है, तो फैक्टर 12 तो क्वैग्यूलेशन पाथवे को स्टार्ट कर रहा था, फैक्टर 12 ने क्वैग्यूलेशन करानी थी, फैक्टर 12 नहीं है तो क्वैग्यूलेशन नहीं है, तो ब्लीडिंग होनी चाहिए, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती बल्कि वहां पे आपको थ्रोम्बोसिस मिलती है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो। इसका क्या मतलब है, ये पैराडॉक्सिकल बिहेवियर ये शो करता है कि कैस्केड से ज्यादा जो फैक्टर 12 है वो जरूरी है फिब्रिनोलाइटिक कैस्केड के लिए, किसके लिए, फिब्रिनोलाइटिक कैस्केड के लिए, और ये 12 जरूरी है क्लॉट को डिजोल्व करने के लिए। सो जब ये नहीं होता तो क्लॉट डिजोल्व नहीं होता बल्कि क्लॉट बनता है, और जब क्लॉट बनता है तो जाहिर है ब्लीडिंग नहीं होती और थ्रोम्बोसिस का चांस बढ़ जाता है। तो ये बात आपने यहाँ पे समझनी थी और ये बात इन्होंने की हुई है, ठीक है। सो फिब्रिनोलाइटिक पाथवे में इसका कोई रोल है, ये क्लॉट को बनाने से ज्यादा डिजोल्व करने में इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई जब इसकी डेफिशिएंसी है तो ब्लीडिंग नहीं बल्कि थ्रोम्बोटिक रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद वो ये कह रहा है
कि अगर हम देखें, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पास फैक्टर 7, ठीक है, इन विट्रो बात करें, 7 जो है हमने कहा कि वो स्टिमुलेट कर देता है किसको, सॉरी हमारे पास, हाँ 7 जो ए फैक्टर था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो भी जाके 10 को कर रहा था. उसके अलावा जो 9 ए था ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये 7 ए भी जाके किसको कर रहा था, 10 ए को स्टिमुलेट. अब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रही हूँ. 9 वाला भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि 9 इन द प्रेजेंस ऑफ 8 ए ये भी एक्टिवेट कर रहा था 10 ए को, और 10 ए आगे से एक्टिवेट कर रहा था 2 ए को. 2 ए जब एक्टिवेट हो रहा था फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो रहा था, क्लॉटिंग हो रही थी. इसका मतलब है बड़े इंपॉर्टेंट है आपके पास 7, 9, 8, 10, 2 जिनकी हमने शुरू में बात की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. तो अगर हमारे पास यहाँ पे कहीं पे भी आपको क्या नहीं मिल रहा, 11 नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी 11 की डिफिशेंसी की वजह से ब्लीडिंग तो होती है, मॉडरेट ब्लीडिंग होती है, माइल्ड ब्लीडिंग होती है. क्यों होती है? इसलिए होती है कि जो फैक्टर 11 है, जब 12 वाला फैक्टर इसको स्टिमुलेट करता है और ये फैक्टर 11 जब एक्टिवेट होता है तो ये फैक्टर 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्टर 5 को और फैक्टर 8 को स्टिमुलेट करने में, और फीडबैक के थ्रू इनको हेल्प करता रहता है. अगर ये नहीं होगा तो ये भी तो काम नहीं करेंगे, जब ये काम नहीं करेंगे तो ये भी तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा तो ब्लीडिंग तो होगी. सो फैक्टर 11 की डिफिशियंसी की वजह से भी ब्लीडिंग होती है, ठीक है. अच्छा, अब यहां पे उसने तकरीबन यही बातें की नहीं है. फैक्टर 2 थ्रोम्बिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद ये वाले इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है थ्रोम्बिन की. थ्रोम्बिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब आ जाती है कि ये जब हमारे पास थ्रोम्बिन सबसे ज्यादा आप कह रहे हो कि इंपॉर्टेंट है, तो जब ये थ्रोम्बिन बन गया, हमने बना लिया, ठीक है, थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो गया, तो ये थ्रोम्बिन क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पहले हमेशा से बताई आ रही हूं कि थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है और फिब्रिन की डेपोजिशन के लिए कंडीशन सेट करता है, ठीक है. ये क्या करता है? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है. उसके अलावा फीडबैक लिए फैक्टर 11 को भी स्टिमुलेट करता है, और जाहिर है फैक्टर 11 आगे से फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को भी करेंगे, ठीक है. और फैक्टर 8 को करेंगे तो जाहिर है फैक्टर 8 आगे से फैक्टर 10 को करेगा, और 10 जो है वो इसी थ्रोम्बिन की लेवल्स को बढ़ाता जाएगा. सो फीडबैक साइकिल में भी इंपॉर्टेंट है. थर्ड बात वो ये कर रहा है कि जब आपके पास सेकेंडरी प्लग बन जाता है तो सेकेंडरी प्लग की स्टिमुलेशन में, स्टेबिलाईजेशन में भी थ्रोम्बिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. जहां पे हमने स्टार्ट किया था क्वेगुलेशन के स्केट को, वहां पे हमने यही बात की थी कि सेकेंडरी प्लग जो है उसको उसको फर्दर कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है थ्रोम्बिन. और फिर हमने बात की कि थ्रोम्बिन बनता कैसे है. सो थ्रोम्बिन के ये रोल है, ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, ये फीडबैक साइकिल के थ्रू प्रोसेस को इनहेंस करता है, और ये क्वेगुलेशन कैस्केड्स हैं या जो क्लॉट्स आपके पास बनते हैं उनको फर्दर स्टेबलाइज भी करता है. उसके अलावा थ्रोम्बिन क्या काम करता है? उसके अलावा थ्रोम्बिन जो है वो एक रिसेप्टर के थ्रू, जिसे हम पार रिसेप्टर कहते हैं, इस रिसेप्टर के थ्रू प्लेटलेट्स को एक्टिवेट भी करता है. सो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फंक्शंस भी हैं इसके. इसके फंक्शन जो है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी भी हैं. कहता है कि बहुत सारे जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं उनके पास भी पार रिसेप्टर होता है. सो थ्रोम्बिन उनको भी जाके स्टिमुलेट करता है और इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है. सो इसके प्रो इन्फ्लेमेटरी रोल भी है. ना सिर्फ इसके रोल है क्वेगुलेशन कैस्केड में, बल्कि ये प्लेटलेट एक्टिवेटर भी है और इन्फ्लेमेशन एक्टिवेटर भी है. अब नॉर्मली हम ये कह रहे हैं कि ये थ्रोम्बोसिस को स्टिमुलेट करता है ना, तो ये एंटी थ्रोम्बोटिक या एंटी क्वेगुलेंट भी है. क्या मतलब है इसका? यहां पे एक एंडोथीलियम इंजर्ड है और ये एंडोथीलियम बिल्कुल नॉर्मल है, तो अगर तो थ्रोम्बिन यहां पे आके इस इंजर्ड एंडोथीलियम के ऊपर एक्ट करेगा तो थ्रोम्बोसिस को बढ़ाएगा, क्लॉटिंग को बढ़ाएगा. लेकिन जैसे ही यही थ्रोम्बिन का एक्सपोजर होता है नॉर्मल एंडोथीलियम पे, तो ये खुद कन्वर्ट हो जाता है प्रो थ्रोम्बिन से, यानी थ्रोम्बिन कॉज कराने से एंटी थ्रोम्बिन की तरफ. किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एंटी थ्रोम्बिन की तरफ. वो यहां पे एग्रीगेशन होने नहीं देगा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है नॉर्मल एबनॉर्मल क्वेगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए. सो इसके एंटी क्वेगुलेशन रोल भी है. बुक में भी लिखा हुआ है कि जब नॉर्मल एपिथील एंडोथीलियम से इसका एक्सपोजर होता है तो ये प्रो थ्रोम्बिन से, प्रो क्वेगुलेंट से एंटी क्वेगुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. अब देखो, जब आपकी वेसल के अंदर इंजरी हुई हुई है तो कैसे जो क्वेगुलेशन है वो यहां तक ही लिमिट रहती है, और इसको लिमिट रहना चाहिए. तो इस क्वेगुलेशन को लिमिट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि डाइल्यूशन यानी ब्लड आता है और वो ब्लड क्या करता है, इसके पीसेस को, एक्स्ट्रा चीजों को उठा के यहां से ले जाता है, लिवर में ड्रेन होता है, और लिवर उन प्रोडक्ट्स को जो कि दूसरी जगह पे भी क्वेगुलेशन स्टार्ट करा सकते थे उनको लिवर मेटाबोलाइज कर देता है. एक बात ये. दूसरी बात ये है कि नेगेटिव फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स भी बहुत सारी चीजों को यहां पे कंसंट्रेट करके रखती हैं और फैलने नहीं देती, और यूं क्वेगुलेशन को लिमिट करती हैं. तीसरी इंपॉर्टेंट सबसे बात है कि एंडोथीलियल
एंडोथीलियल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं थ्रोम्बोसिस को, कोएगुलेशन को लिमिट करने में, ठीक है, कोएगुलेशन को लिमिट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैसे भी हमने सारा बात करनी है। तो उसके बाद वो कह रहा है कि आपके पास सबसे पहले प्लेटलेट आ गए, कोएगुलेशन कैस्केड हो गया, फाइब्रिन आ गया, तो अब क्या होगा, तो वो बात मैंने ऑलरेडी की कि फिब्रोनोलिटिक कैस्केड स्टार्ट हो जाता है और उसका भी रोल है इसको लिमिट करने में, क्योंकि वो एक्टिवेट होके टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, प्लाज्मिन और फिब्रिनोलाइसिन वगैरह बनाता है जो कि आके इसको क्या करते रहते हैं, डिजोल्व करते रहते हैं। और यहीं पर वो कह रहा है कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा जब होती है तो बॉडी इसको इनहिबिट करती है, प्लाज्मिन इसको जब डिजोल्व कर लेता है तो फ्री प्लाज्मिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक और तरह के प्रोटीन है जिन्हें हम कहते हैं अल्फा टू प्लाज्मिन इनहिबिटर, तो वो एक्सेसिव प्लाज्मिन को इनहिबिट कर देता है। यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये फैक्टर टू की एक्टिवेशन है जहां पे हमने क्या एक्टिवेट किया, प्रोथ्रोम्बिन टाइम को, यहाँ पे हमने पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम को मेयर किया और इसको मेयर करने का तरीका ही था कि टिश्यू फैक्टर और फॉस्फोलिपिडोर कैल्शियम दे सकते हैं। और यहाँ पे वो ये बता रहा है कि जब ये वाला सारा कोएगुलेशन पास बन जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि आपका ये जो साइड वाला एंडोथीलियम है ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बनाता है जो कि प्लाज्मिन में कन्वर्ट होके इसको रिजॉल्व करने में हेल्प करता है, और अगर कोई फ्री प्लाज्मिन पड़ा हुआ है तो उस फ्री प्लाज्मिन के साथ एंटी टू प्लाज्मिन बाइंड करेंगे और उसको इनहिबिट कर देंगे और दोबारा से ये सारी रिजॉल्व हो जाएगी और वैसल आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो यहां तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कोएगुलेशन के स्टेट के बारे में भी, हीमोस्टेसिस के बारे में भी, और एंडोथीलियम का फंक्शन जो है वो भी। इन्होंने यहाँ पे अगर देखो तो एंडोथीलियम जैसे पहले से बताई आ रही हूँ, बार बार बंदा क्या इसकी रिपीटेशन करे कि एंडोथीलियम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटी कोएगुलेंट और प्रो कोएगुलेंट फैक्टर को रेगुलेट करता है, ठीक है। जब यहां से जायरा डैमेज हुआ था तो एंडोथीलियम ने ऐसे फैक्टर एक्सपोज किए कि कोएगुलेशन स्टार्ट हुई, और जब ये हो गया, रिकवर हो गया एंडोथीलियम, तो यही एंडोथीलियम ऐसे फैक्टर बना रहा है जो इस कोएगुलेशन को खत्म करेंगे। सो एंडोथीलियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसके पास नॉर्मली ये उसको लिमिट कैसे करता है, इसके पास प्लेटलेट इनहिबिटरिंग इफेक्ट भी है, ये प्लेटलेट की एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होने नहीं देता, एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट भी है इसके, ये एबनॉर्मल कोएगुलेशन होने नहीं देता और उस कोएगुलेशन को डिसॉल्व करने के लिए टिश्यू प्लाज्मिनोजन वगैरह को एक्टिवेट करता है, ठीक है, और फिब्रोनोलिटिक एक्टिविटी भी शो करता है विद द हेल्प ऑफ दीज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो यहां तक पढ़ने, इसमें से कोई भी मसला हो तो मुझे बताइएगा, चैप्टर का आधा हाफ हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थ्रोम्बोसिस पढ़ाती हूँ।